सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि है पाथ क्रॉसिंग, लीड कोड 1496। ठीक है, तो पहले तो हम इस सवाल को समझते हैं कि कह क्या रहा है। ठीक है, तो इनने क्या किया हुआ है, हमें एक स्ट्रिंग पाथ दे रखा है, फिर जहाँ पे पाथ है NSEW, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और हर एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक यूनिट। ठीक है, नॉर्थ साउथ मतलब जहाँ भी मूव करेंगे तो एक यूनिट वो ऐड करेगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिन से, ठीक है, 2D प्लेन पर, और हमें ट्रू रिटर्न करना है कब, जबकि कोई पाथ क्रॉस करेगा इटसेल्फ एट एनी पॉइंट, मतलब कोई पाथ अगर खुद से वो क्रॉस कर रहा है तो मतलब वो पॉइंट आ चुका होगा और वहां से वापस हम क्रॉस कर रहे होंगे, तो ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो बस यही सवाल है, तो देखते हैं इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज तो पक्की बात है कि जैसे अगर कोई टेस्ट केस देख ले तो पाथ NES है, मतलब नॉर्थ, तो 0 जैसे इसने स्टार्ट किया नॉर्थ, फिर ईस्ट और फिर साउथ। तो पहले तो हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए किस तरह से होता है। तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ है ना, तो इसी ऑर्डर में हम चल रहे होंगे। और जैसा इन्हें बताया कि हम 0-0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो 0-0 से अगर हम नॉर्थ जा रहे हैं, सपोज ये 0-0 है, तो नॉर्थ कहाँ गए, हम इधर चले गए एक बार, फिर ईस्ट मतलब यहाँ से इस साइड, फिर एक बार साउथ यहाँ से, तो कोई भी पॉइंट जो है हमारा क्रॉस नहीं हुआ है ना, कहीं पे हम क्रॉस किए नहीं, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब सवाल ये कि इसे सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे दो सब प्रॉब्लम में टूट रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला क्या हो सकता है कि हम वो पाथ में कैसे जा रहे हैं। ठीक है, कि हम 0-0 से हर एक पाथ में मूव कैसे कर रहे हैं, जैसे इनने कहा कि नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो हम जा कैसे रहे हैं, एक तो वो हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, हाउ वी आर मूविंग। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सब पार्ट क्या है कि हम डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं कि वो पाथ को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सो हाउ टू डिटरमाइन वी आर क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये दो चीजें हो रही है यहाँ पे, क्लियर। तो अब हम इसे दो भाग में तोड़ लिया, अब हम दोनों के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं कि यार इसके लिए हम कैसे करेंगे और सेकेंड वाले के लिए कैसे करेंगे। तो फिलहाल तो हम ओरिजिन है, अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें यहाँ से, तो अगर हम नॉर्थ की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा कि हमारा एक्स तो वहीं पे रहेगा, ठीक है, वाई में फ्लक्चुएशन होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, एक्स को तो कुछ नहीं करेंगे, अगर हम नॉर्थ की साइड जाए तो वाई के ऊपर ही हम मूव कर सकते हैं, मतलब इधर इधर ही है ना, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम साउथ के लिए क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा तो x तो वही रहेगा लेकिन ये -1 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट है ना। फिर वेस्ट के लिए क्या हो सकता है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये x वाला कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा हर एक यूनिट के लिए, और y वाला फिक्स रहेगा यहाँ पे, y से हमें कोई लेना देना नहीं, y तो एक ही जगह पे है। सेम ईस्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, हमारा x के कोऑर्डिनेट +1 हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइड चल रहे हैं। तो इसको अगर हम इस तरीके से देखें y और x ग्राफ की ओर से, तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाकी इधर y फिक्स रहेगा यहाँ भी है ना, राइट। तो हम इस तरीके से हम हर एक डायरेक्शन को मैप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैश मैप और हैश शेड दोनों का यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि हर एक डायरेक्शन जो कि पाथ में है, जो भी चेंज हमें दिख रही है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, तो उसको हम हैश मैप से मैप करके रख लेंगे। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो 0-0 से जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्स और वाई हमारा 0-0 है, तो हम नॉर्थ के लिए 0 और 1 रख लेंगे, साउथ के लिए क्या हो जाएगा 0 और -1, वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा -1 और 0, और ईस्ट के लिए 1 और 0, क्लियर। तो आई होप ये सेंस बना रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम 0-0 जो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, वहां से हम आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हर एक कैरेक्टर जो होगा हमारा पाथ में, जो भी हमारे जैसे एन आया या ई आया, एस आया, तो उसके लिए हम एक dx और dy जो कि हमें चेंज दिख रहा होगा यूनिट्स में, जैसे नॉर्थ गया तो ये एक +1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट में है ना, तो उसको हम मैप के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है,
वो किस ऑर्डर में होगा? इस तरीके से x प्लस डी एक्स और y प्लस इक्वल्स टू डी वाई, मतलब सॉरी, हाँ प्लस इक्वल्स टू मतलब कोऑर्डिनेट्स जुड़ते जाएंगे, है ना? क्लियर? तो जहां 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 भी हम पाथ में आइटरेट कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेट्स वहां पे ऐड होते जाएंगे जो dx dy है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कि हम पाथ में जाएंगे कैसे, ठीक है, हाउ वी विल मूविंग, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि हम डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं कि वो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। ये तो मूवमेंट का पार्ट हो गया क्लियर, अब हम डिटरमाइन कैसे कर रहे हैं, ठीक है, कि हम क्रॉस कर जा रहे हैं। तो उसके लिए हम है ना हैशसेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, मतलब सेट का, कि हम क्रॉस कर रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि हमें पता है कि हर एक जो मूवमेंट होगी वो चेंज कितना से करेगी, वन से करेगी, या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, दो ही हो सकती है, मतलब पॉजिटिव साइड गए तो प्लस वन, या फिर अगर नेगेटिव साइड पे आ गए तो माइनस वन, जैसा कि हम यहाँ यहाँ पे देखा था कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, है ना? तो या तो अगर हम क्रॉसिंग कब कर रहे होंगे, जब हम सेम कोऑर्डिनेट पे दो बार आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पे सेट यूज कर रहे हैं। सेट क्या होता है? यूनिकली डिफाइंड होता है, मतलब अगर एलिमेंट वहां पे मौजूद होगा तो दोबारा नहीं आने देगा वहां पे, तो इसी यहाँ पे हमें दोबारा चेक करने आना पड़ रहा है, तो इसी की वजह से हम यहाँ पे सेट का कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक विजिटेड नाम का हैश सेट रख सकते हैं, है ना? अब ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट्स का ट्रैक रखेगा, ठीक है, कीप ट्रैक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसे भी हम 0 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे ऑब्वियसली फिलहाल के लिए, और हर एक मोमेंट पे क्या करेगा ना, वो चेंजेस को पहले अप्लाई करेगा जो भी हमारे डीएक्स डीवाई होगा, ठीक है। तो जो भी हमारा डीएक्स डीवाई चेंज जो होगा उसको वो डाल देगा, और उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या हमारा अपडेटेड एक्स वाई वो विजिटेड है क्या। फिर हम चेक करेंगे अपडेटेड एक्स वाई क्या वो विजिटेड है, मतलब तो वापस हम उस कोऑर्डिनेट पे आ गए क्या। अगर विजिटेड है तो हम सीधा ट्रू रिटर्न करा देंगे, इफ विजिटेड रिटर्न ट्रू, कोई वरना एल्स रिटर्न फॉल्स। तो आई होप ये अप्रोच क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम को दो भाग में तोड़ लिया, सब प्रॉब्लम्स बना लिया हमने, क्या क्या, पहला कि हम कैसे मूव कर रहे हैं, दूसरा कि हम क्रॉसिंग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मूवमेंट का पार्ट देख लिया, कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेंगे और विजिटेड वाला एक अलग हैश सेट बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और चेक करते जाएंगे कि अगर वो पॉइंट्स में है जो भी ऐड हो रहा है डीएक्स डीवाई, वो क्या उस तरीके से काम, मतलब विजिटेड वाले सेट के अंदर है कि, अगर सेट में है इसका मतलब ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। तो यार इसको एक बार कोड में देख लेते हैं, तो आई होप ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आई होप इससे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम मैप बना लेंगे, तो मैप किसका बनेगा, कैरेक्टर, है ना, और पेयर, है ना, क्योंकि दो दो रहेंगे वहां पे, तो ये 2D बन जाएगा थोड़ा, है ना। तो ये हमारा मूव्स हो गया, न्यू हैश मैप, ठीक है। अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स को डाल देंगे इसमें, क्या क्या, जो भी हमारा नॉर्थ के लिए था उसके लिए क्या होगा, अगर हमारा एन होता है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 1, है ना, वो जो मैंने अभी लिखा था अगर आप लोगों को याद होगा तो। फिर नॉर्थ या साउथ के लिए हम क्या करेंगे, 0 और -1, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने से बेटर। और किसके लिए होगा, एक ईस्ट के लिए हो जाएगा हमारे पास, और वेस्ट के लिए, है ना। तो अगर हम इसमें वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0, है ना। सेम गोज फॉर ईस्ट, तो अगर ईस्ट आ गया तो ये 1 0 हो जाएगा, क्लियर। अब हम यहाँ पे एक सेट बना लेंगे, इसका
पेयर और इंटीजर से इंटीजर का, ठीक है, जो कि होगा विजिटेड और न्यू हैश सेट, है ना। और विजिटेड में हम ऐड कर देंगे न्यू पेयर, फिलहाल के लिए ओरिजिन से ही हम चल रहे हैं, है ना, तो फिलहाल के लिए तो विजिटेड यही होगा। और अब हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपना, जहाँ से हम पॉइंट्स को चलना स्टार्ट करेंगे ऐड करते हुए, ठीक है। तो फॉर कैरेक्टर, तो जो भी कैरेक्टर हमें मिलेगा किसके अंदर, पाथ्स में। अब पाथ्स के अंदर हम, वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, तो हमें पहले उसे कैरेक्टर एरे में डालना पड़ेगा ताकि हम उसको आराम से आइट्रेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी हमें पेयर दे रखी होगी इनमें, इंटीजर टू इंटीजर, है ना, तो करेंट एक हम बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, गेट करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा कैरेक्टर होगा पहले तो उसको गेट कर लो, ठीक है। अब जो हमारा डीएक्स और डीवाई चेंज होगा, तो उसके लिए हम करेंट डॉट गेट की वैल्यू पेयर आएंगे, है ना, दो पेयर्स में है तो इंट डीवाई करेंट डॉट गेट वैल्यू, तो उस की से एसोसिएटेड वैल्यू जो भी होगी, तो डीएक्स डीवाई आ गया। अब एक्स के अंदर डीएक्स को ऐड कर दो और वाई के अंदर डीवाई को, जो भी चेंजेस हैं हमारे, है ना, दोनों पॉइंट्स के चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक मैं पेयर बना लेता हूँ, ठीक है, तो पेयर रिक्वेस्ट न्यू पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब चेक करो कि इफ विजिटेड, अगर विजिटेड वाला पॉइंट्स हमारा कंटेन कर रहा है किसको, जो भी हमारा पेयर है ना, अगर वो पेयर उसमें मौजूद है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब कि हम पाथ को क्रॉस कर गए, ठीक है, तभी तो विजिटेड के अंदर आया ना वो। अगर ऐसा नहीं है तो हम पेयर को ऐड कर देते हैं, कि अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो पेयर को फिलहाल ऐड कर सकते हैं, हो सकता है आगे चल के मिल जाए, या नहीं मिले तो फिट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो पेयर को ऐड कर देते हैं। और फाइनली अगर नहीं मिला तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, मैं एक्सप्लेन करते हुए गया हूँ, तो एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं कोई एरर तो नहीं है। चलो तो बस यार, आई होप समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और यार चैनल को लाइक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी अगली वीडियो में। तो बस यार, ध्यान रखो अपना सब कोई, एंड कीप कोडिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।